मानसिंह विपक्ष बुजुर्ग को भेजा गया अपना घर कोटा। बता दें कि राजस्थान के जिला झालावाड़ के थाना झालरा पाटन अंतर्गत राजकीय बालचंद्र चिकित्सालय झालरा पाटन में सांसद कोष के प्रस्तावित और निर्मित रोगी यात्री प्रतीक्षालय में विगत कई महीनों से एक मानसिक विपक्ष तथा कथित उड़ीसा वाले बाबा नामक वृद्ध ने अवैध तरीके से डेरा जमाया हुआ था। उक्त वृद्ध अस्पताल में आने वाले रोगियों के परिजनों को भद्दी भद्दी गालियां देता था और यात्री प्रतीक्षालय के समीप ही मलमूत्र का विसर्जन भी करता था। उक्त वृद्ध के कारण रोगी प्रतीक्षालय में कोई भी परिजन जाने से कतराने लगे थे। उक्त वृद्ध को यहां से हटाने के लिए कई सामाजिक संगठनों ने पालिका अध्यक्ष और अधिशासी अधिकारी के नाम ज्ञापन दिया। राजकीय बालचंद्र सैटेलाइट अस्पताल के प्रमुख चिकित्सालय अधिकारी डॉक्टर सदानंद ने भी नगर पालिका अधिशासी अधिकारी और झालरा पाटन थाना अधिकारी को पत्र भेजकर रोगी प्रतीक्षालय परिसर को खाली करवाने की मांग की थी। सभी मांगों को संज्ञान में लेकर पालिका प्रशासन ने उक्त वृद्ध को पुलिस प्रशासन के साथ मिलकर रोगी प्रतीक्षालय से हटाकर अपना घर कोटा भेज दिया। देखिए झालरा पाटन से जयंत पोरवाल की यह रिपोर्ट। रख दो, अरे और हट जाओ, फालतू के चलो फल रख दो, गाड़ी में ले लो। कोविड 19 टीकाकरण वैक्सीनेशन का कार्य हुआ संपन्न। यूपी के जनपद रामपुर के थाना स्वार की ग्राम पंचायत हर गला में आज कोविड 19 की वैक्सीनेशन का आयोजन किया गया। ग्राम पंचायत हर गला में ग्राम प्रधान विमलेश सैनी ने पहला टीका लगवा कर ग्रामवासियों को जागरूक किया। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो वैक्सीनेशन की मुहिम चलाई जा रही है वह आज ग्राम पंचायत हर गला में भी देखने को मिली। बड़ी व्यवस्थित तरीके से यहां लोगों ने कोविड 19 का टीका लगवाया। ग्राम पंचायत हर नगला में यहां पर और भी कई गांव के लोग उपस्थित रहे, जैसे पृथ्वी नगर और ग्राम मजरा, यहां दोनों गांव ग्राम पंचायत हर नगला में शामिल रहे। आज कोविड 19 के यह टीके ग्राम पंचायत भवन पर ही लगे हैं। कोविड 19 का यह टीका ग्राम प्रधान की अध्यक्षता में लगाना है। आज ग्राम पंचायत हर नगला में यहाँ टीकाकरण NM डॉक्टर बबीता, आशा लीलावती, आशा अनीता, आशा समिता राणा, आशा शिक्षा, आशा मोना, सहायिका मुन्नी देवी और गांव के ग्रामीण वासी उपस्थित रहे। देखें अखिलेश कुमार की यह रिपोर्ट। जैन मंदिर में हुई मंदिर के सामान व बर्तनों की चोरी। बता दें कि राजस्थान के जयपुर जिले के जयपुर के उपायुक्त उत्तर पुलिस कोतवाली द्वारा 3 जैन मंदिर में हुई मंदिर के सामान व बर्तनों की चोरी की वारदात का हुआ खुलासा। बता दें कि नशे व सट्टे की लत से कर्ज में डूबे युवाओं को अपनाना पड़ा चोरी का रास्ता। जैन मंदिर से चोरी करने वाले तत्कालीन 2 सेवादार व चांदी का सामान खरीदने वाला एक कबाड़ी गिरफ्तार। जैन मंदिर से चोरी चांदी के बर्तन, मूर्तियों को गल्ला बनाकर 15 किलो चांदी की प्लेट्स व चांदी बेचकर कमाए 26,750 रुपए बरामद एवं अन्य मंदिर का संपूर्ण माल मोड़ शुरू कर बरामद। पुलिस उपायुक्त जयपुर उत्तर परिषद देशमुख अनिल ने बताया कि लालाजी सांड का रास्ता चौड़ा जयपुर से 43 किलो 179
कि पंच मेरू व बर्तन चोरी हो गई। दीपक जैन व सचिव जैन स्थानीय व्यक्तियों के साथ संगति दी गतिविधियों के संलग्न होने लगे तथा दीपक जैन जुलाई 2021 में अचानक गांव चला गया। अब जब तक वह वापस नहीं आया, लालजी सांड के रास्ते से दो अन्य जैन मंदिर में दीपक जैन द्वारा मंदिर में चांदी का सामान चोरी होने की रिपोर्ट पर अभियोग पंजीकृत किया गया, अनुसंधान प्रारंभ किया गया। देखिए सोंडाला से नीना वर्मा की यह रिपोर्ट। कोतवाली में 10 तारीख को लालजी सांड के रास्ते पे स्थित दिगंबर जैन मंदिर, तो बिल्कुल तीन, हालांकि पास पास ये पर तीन अलग अलग मंदिर है जिसमें चोरी होने की सूचना उन्होंने थाने पर दी, जिस पर प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया गया और इसके गंभीरता को देखते हुए इसकी विशेष दो टीम उसमें गठित की गई और दोनों टीम उसमें लगातार लगी रही। इसका नतीजा ये रहा कि इसमें दो मुख्य आरोपी जिन्होंने चोरी की है और चोरी का सामान खरीदने वाले और उनको आगे बेचने वाले ऐसे दो अन्य व्यक्ति, कुल अब तक चार व्यक्तियों को इसमें गिरफ्तार किया गया है। अब तक की तफ्तीश में 15 किलो चांदी की प्लेट और 26,750 रुपये नकद, ये सामान अब तक बरामद किया जा चुका है। शेष बरामदगी के लिए अभी भी हमारी टीम यूपी में है। इस पूरे जो घटनाक्रम है, इस पूरे घटनाक्रम में सब इंस्पेक्टर हेमंत, SHO कोतवाली, DCP साहब कोतवाली और एडिशनल DCP साहब सेकंड धर्मेंद्र सागर जी, इनकी विशेष मार्गदर्शन और इनकी भूमिका रही है। इसमें अब तक ये सामने आया है कि जो जिन व्यक्तियों को मंदिर के ट्रस्ट द्वारा मंदिर की देखभाल के लिए रखा गया था, वो जुए और सट्टे के आदि थे। जबलपुर और नरसिंहपुर में इन्होंने लगातार सट्टा खेलते हुए काफ़ी इनको लॉस उसमें झेलना पड़ा, इसकी भरपाई के तौर पर उन्होंने इन मंदिरों में लगातार एक लंबे समय तक, स्पेशली कोरोना काल में अप्रैल और मई में इन्होंने ये सामान की चोरी की है और चोरी करके जो भी इन्हें पैसा मिला वो उन्होंने अपने जुए सट्टे की जो उधारी है उसे मिटाने के लिए उसमें ये खर्च किया है। वो संभव है आज हमारी, मैंने कहा जैसे कि हमारी टीम अभी भी यूपी में है तो संभावना है। नहीं इसी केवल और केवल ये जैन मंदिर की। सर और भी इन्होंने किए कि कहीं और इससे पहले कहीं? पानी की टंकी के विवाद को प्रशासन ने सुलझाया। बता दें कि खबर है गोंडा जनपद के इटिया थोक थाना क्षेत्र की, जहां ग्राम पंचायत विजय गढ़वा में पानी टंकी बनाने को लेकर ग्रामीणों ने आक्रोश जताते हुए प्रशासन से पानी टंकी न बनवाने देने के लिए शिकायत पत्र दिया था, जिस पर प्रशासन ने मौके पर जाकर मामले की जानकारी ली तो पता चला कि कुछ गाँव के लोग अपनी राजनीतिक चमकाने के लिए महाराज सुहेल देव के नाम का प्रयोग कर रहे थे। प्रशासन ने इस मामले की गंभीरता को देखते हुए मामले का निवारण करवाया, जिस पर ग्रामीणों में यह सहमत बनी है कि एक तरफ मंदिर राजा सुहेल देव व बची हुई जमीन पर पानी की टंकी बनाई जाएगी, इस पर ग्रामीणों ने सहमति जताई है। इस मामले का निवारण होने से क्षेत्र में हर्ष व्याप्त हो गया है। इस बारे में ग्राम प्रधान प्रतिनिधि हदीस उल्लाह खान ने मामले में ग्रामीणों से सुहल समझौते होने पर खुशी जाहिर की। देखिए इटिया थोक से पवन कुमार द्विवेदी की यह रिपोर्ट। हाँ, क्या नाम है आपका श्रीमान जी? हमारा नाम हदीस उल्लाह खान है। अच्छा, पूर्व प्रधान विजय गढ़वा। अच्छा, आपके गांव में कुछ क्या नाम सुहेल देव या कुछ मंदिर को लेकर मामला था? हाँ, हमारे यहाँ गाठा संख्या जो है 693-695, जिसका रकबा टोटल मिला के 7.5 बीघा है।
उसमें 695-93 मिला करके जो है राजा सुहेलदेव की मूर्ति रखी हुई थी 4 से 8 साल से, उसी को उसका कोई विवाद नहीं था, लेकिन जो खाली जमीन बची थी उसी में जो है क्या नाम है पानी के लिए, पानी टंकी के लिए प्रस्ताव किया गया था। तो कुछ लोग राजभर समाज के लोग समझ नहीं पाए तो वो जबरदस्ती जो है उसमें बुनियाद भर रहे थे। तो आज उसी संबंध में जो है तहसीलदार महोदय, यशो थाना यशो महोदय और SDM साहब सभी लोगों की उपस्थिति में ये थाने पे जो है बैठक हुई और ये समझौता हुआ कि बाउंड्री वहाँ कोई नहीं रहेगी और मंदिर रहेगा और टंकी बनेगी। यही समझौते पे हम लोग गांववासी जो है सहमत हुए। मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में भाजपा नेता लोकेंद्र गुर्जर और हमारी फास्ट न्यूज इंडिया के डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज के नेतृत्व में नहाल और निहाल समाज प्रदेश प्रतिनिधि मंडल मध्य प्रदेश के पदाधिकारियों के साथ लेकर उनकी जो आज़ादी के बाद से ही जाति प्रमाण पत्रों को लेकर मध्य प्रदेश में समस्या आ रही, जिसके अंतर्गत कुछ जिलों में नहाल और निहाल समाज के दो अलग अलग समाज माना जाता है, लेकिन वास्तव में नहाल और निहाल एक ही शब्द है, एक ही जाति है, लेकिन सामान्य बोलचाल और कोई निहाल तो कोई निहाल कहता है, जिस कारण अलग अलग जिलों में कहीं पर अनुसूचित जनजाति के प्रमाण पत्र शासन द्वारा दिए गए हैं तो कहीं पर पिछड़ा वर्ग के जाति प्रमाण पत्र शासन द्वारा दिए गए हैं। लेकिन इस भिन्नता को समाप्त करने के लिए और पिछड़ा वर्ग की श्रेणी में जो नहाल समाज को लिया गया उसे विलुप्त कर दिया गया और जो अनुसूचित जाति में पहले से ही नहाल हाल समाज दर्ज है उसे यथावत रहने दिया जाए। इस संबंध में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के कैबिनेट मंत्री हरदीप सिंह डंग से चर्चा हुई और ज्ञापन देकर इस समस्या को हल करने के लिए कहा गया और उन्होंने कहा कि निश्चित यह समस्या वाजिब है और इसको हल करवाने के लिए मैं मुख्यमंत्री के संज्ञान में बात लाऊंगा और शीघ्र अति शीघ्र आपकी इस गंभीर समस्या जो कि इस वर्ग के हर गरीब की समस्या है उसे हम हल करेंगे। और इस संबंध में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्र से भी भेंट हुई और चर्चा हुई, साथ ही कृषि मंत्री कमल पटेल से भी उनके कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन दिया गया, लेकिन कृषि मंत्री के नहीं होने के कारण उनका स्वास्थ्य खराब होने से उनके पीए अरविंद को समस्या से अवगत कराया गया और उनके द्वारा आश्वासन दिया गया कि आपकी यह समस्या मंत्री जी के पास तक पहुंचाई जाएगी और हर संभव मदद की जाएगी और तत्परता से इस पे कार्य भी किया जाएगा। देखें लोकेंद्र कुमार की यह रिपोर्ट। नमस्कार, मैं लोकेंद्र कुमार, आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज टाइम और फास्ट न्यूज इंडिया। हमारे बीच है मंत्री मध्य प्रदेश शासन के हरदीप सिंह जी डग साहब। डग साहब, आज आपके बीच नहाल और निहाल समाज के प्रदेश कार्यकारिणी प्रतिनिधि मंडल आया है और आवेदन लेकर आया है कि नहाल और निहाल समाज एक होने के बाद भी उनके जाति प्रमाण पत्र अलग अलग जिलों में अलग अलग तरीके से उनको वितरण किए जाते हैं, तो आपका क्या मत है? बिल्कुल, आज मध्य प्रदेश जो प्रतिनिधि मंडल यहाँ पर पूरे प्रदेश की तरफ से आए हैं, निहाल और नहाल में जो डिफरेंस अलग अलग जिलों में अलग अलग प्रमाण पत्र जो दिया जा रहा है, इनकी मांग है कि इसको एक ही प्रकार से देखा जाए और अनुसूचित जाति में जो अनुसूचित जनजाति में इसका प्रमाण पत्र जो दूसरे जिलों में मिलता है वो समस्त जिलों में मिले, इसके लिए ज्ञापन दिया है। मैं अपनी तरफ से भी माननीय मंत्री जी को, माननीय मुख्यमंत्री जी को एक पत्र लिखकर इससे अवगत कराऊंगा जिससे इस समस्या का समाधान हो सके। मंत्री जी, खंडवा लोकसभा में अभी जैसे उपचुनाव आ गए, आगामी उपचुनाव है, यहाँ पर तकरीबन 2 लाख वोट यहाँ पर नहाल और निहाल समाज के हैं और नहाल निहाल समाज ये चाह रहा है कि उपचुनाव के पहले ये यदि ऐसा काम हो जाता है अन्यथा इनके द्वारा विधिवत धरना प्रदर्शन किया जाएगा, इसका जिम्मेदार शासन प्रशासन होगा, तो आप से हम आशा और विश्वास चाहते हैं। हमें पता चला है कि आप जैसे मंत्री ही इस प्रकार के मामलों को मुख्यमंत्री तक जी तक पहुँचा कर इनकी समस्या हल कर सकते हैं, तो आप निश्चित रूप से ये समस्या हल करेंगे? आपने जो ज्ञापन दिया है ये मैं अपनी तरफ से
इसको आज ही यहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री जी और इनको अवगत कराऊंगा, और एक कानूनी प्रक्रिया जो होती है उससे गुजरना पड़ता है, तो कहीं ना कहीं जो भी होगा मतलब उचित कदम उठाते हुए जो माननीय मुख्यमंत्री जी और मंत्री जी के नॉलेज में लाके जो भी उचित कदम होगा ये उठाया जाएगा। धन्यवाद, हमारे बीच थे मंत्री जी।